हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टोग्राफर। मेरा नाम है अंकित और वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से लाइक का बटन दबा दो एंड कमेंट सेक्शन के अंदर वी आर द इन्वेस्टोग्राफर्स लिख दो। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको कोई ट्रेड आइडिया नहीं देने वाला बल्कि एक ट्रेड आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो हम लोगों ने रिसेंटली लिया था। अगर आप सपोर्टर्स क्लब में हो तो आपको भी पता होगा हम लोगों ने उसके अंदर रिसेंटली एंट्री बनाई थी एंड उसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरीके से मैंने वो ट्रेड लिया, कितना उसमें मैंने कैपिटल लगाया, कितना प्रॉफिट उसमें जनरेट किया एंड अभी मेरा उसके अंदर क्या पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है एंड उसके अंदर मुझे क्या क्या सीखने को मिला जो आप लोग भी यूज कर सकते हो अपने ट्रेड्स के अंदर एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्टॉक का नाम बता दूं, जिस स्टॉक को मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं उसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX। अगर IEX के बारे में आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हो तो काफी लंबे समय से हम लोग उसके अंदर इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ। आज मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करने वाला, आज मैं एक शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड की बात करने वाला हूं जो मैंने पिछले 2-3 दिन में ही लिया था। बट अगर मैं आपको एक बार रिकैप करा दूं तो हम लोग इसको आपको काफी टाइम से सजेस्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। ऑलमोस्ट 300 से 350 के जोन पे हम लोगों ने ये पूरे के पूरे कंसोलिडेशन में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को रिकमेंड किया एंड काफ़ी सारे लोगों ने हमारे कहने पे इसमें पोजीशंस भी बना रखी है एंड ऑलरेडी वो 100 से 120-130% प्रॉफिट पे अभी चल रहे हैं। तो ये हो गए हम लोगों के इसमें बैकग्राउंड जो हम लोगों ने इसके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा था। अब मैं आ जाता हूँ जल्दी से ट्रेड के ऊपर जो हम लोगों ने इसके अंदर ट्रेड लिया था। तो ऑलरेडी हम लोगों ने इसमें एंड मैंने पर्सनली इसके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा था बट रिसेंटली अगर हम लोग इसमें देखें तो जो एनर्जी में हम लोगों को काफ़ी अच्छी पावर स्टॉक्स के अंदर, एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स के अंदर काफ़ी अच्छा रैली आती हुई दिखी है पिछले एक महीने के अंदर, काफ़ी अच्छे हमें रन अप आता हुआ दिखा है। तो सिमिलरली इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में भी हमें काफ़ी अच्छी यहाँ पर रैली आती हुई दिखी। ये वाली जो रैली थी ये देखने के बाद मैं पर्सनली इसको अपने स्विंग ट्रेड के लिए रेडार पर रखना स्टार्ट कर दिया था कि अगर शॉर्ट टर्म में मुझे इसमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेड लेने के लिए भी प्रेफर करूंगा। अब अगर हम लोग इसका चार्ट पैटर्न देख लें क्लोजली, अगर मैं आपको इसका चार्ट पैटर्न दिखाऊं तो एक घंटे के चार्ट पे मैं आपको इसके ले जाना चाहूंगा। अगर एक घंटे का चार्ट पैटर्न हम लोग इसका देखते हैं तो वहां पे आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे जो इतनी बड़ी रैली देने के बाद पूरा का पूरा इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया था। तो उस कंसोलिडेशन के अंदर एक चीज जो आप लोगों को पता होगी कि मैं बहुत ज्यादा प्रिफर करता हूँ एंड बहुत ज्यादा मुझे पसंद आती है देखने में, वो ये है कि जब भी कोई स्टॉक कंसोलिडेट करता है कंसोलिडेशन में जो उसका लोअर लेवल होता है कंसोलिडेशन का, वहां पे वो कितना समय बिताता है, वहां पे वो कितना कंसोलिडेट करता है एंड जो अपर लेवल होता है कंसोलिडेशन का वहां पे वो कितना समय बिताता है। तो अगर हम लोग इसका चार्ट पैटर्न देखें तो आप क्लियरली देख सकते हो जैसे ही इसने लोअर लेवल का ब्रेकआउट दिया बहुत ही क्विकली ये वापस ऊपर वाले लेवल पे चला गया एंड वहां से जब ये रिट्रेस किया तो रिट्रेसमेंट इसमें काफ़ी ज़्यादा स्लो था। इसका मतलब कि सेलर्स को इसको नीचे लाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, बायर्स इसके ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थे एंड जैसे ही अपने रिट्रेसमेंट के लोअर लेवल पे आ रहा था वहाँ से हमें एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती हुई दिख रही थी एंड वापस से क्विकली ऊपर की तरफ मूव कर रहा था एंड वहाँ से अगर आप देखो तो फिर से सेलर्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा था, सेलर्स को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी इसको नीचे की तरफ लाने के लिए एंड जैसे ही वो नीचे आता था क्विकली ये वापस ऊपर की तरफ मूव करता था। तो ये मैं काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ अपने स्टॉक्स के अंदर, खास करके स्विंग ट्रेड्स के अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि अगर वो कंसोलिडेशन के अंदर हैं, अगर वो फ्लैग टाइप पैटर्न बना रहे हैं तो वो ऊपर वाले लेवल्स पे कितना क्विकली मूव कर रहे हैं एंड लोअर लेवल से कितनी ज़्यादा जल्दी उसमें हमें बाइंग आती हुई दिख रही है। तो इसमें लोअर लेवल से हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग, काफ़ी ज़्यादा क्विक बाइंग आती हुई दिख रही थी जो कि मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो ऑलरेडी मैं स्टॉक के अंदर इन्वेस्टेड था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी मैंने इसके अंदर पोजीशन बना रखी थी, काफ़ी अच्छी पोजीशन बना रखी थी बट मुझे इसके अंदर दिख रहा था कि एक शॉर्ट टर्म के लिए भी अपॉर्चुनिटी बन सकती है एंड शॉर्ट टर्म के अंदर इसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट किया जा सकता है। तो जैसे ही ये वाला जो कंसोलिडेशन जोन की अभी मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा था, जैसे ही ये कंसोलिडेशन जोन हमें ब्रेक होता हुआ दिखा, जैसे ही ये कंसोलिडेशन जोन मुझे ब्रेक होता हुआ दिखा तो अगर हम लोग डेली चार्ट पैटर्न पर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ हमें इसका ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा था। बट अगर हम लोग उसके नेक्स्ट डे की कैंडल देखें तो वो मैं ऑब्जर्व कर रहा था एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगा नेक्स्ट डे की कैंडल को देखने के बाद कि अभी भी इसके अंदर बायर्स स्ट्रांग हैं बट हायर लेवल्स पे इसके अंदर कुछ सेलर्स अभी बैठे हैं जो इसको थोड़ा सा नीचे पुल कर सकते हैं एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसमें एक हमें अच्छा खासा रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है जहाँ पर हमें बाइंग के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। एंड फर्दर ऑन नेक्स्ट डे सिमिलर जैसा कि मैं सोच रहा था, जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, एक हमें 4% का इसमें रिट्रेसमेंट आता हुआ दिखा बट उसमें भी सबसे ज़्यादा ब्यूटी की बात यह थी कि जो रिट्रेसमेंट आया वो प्रीवियस कंसोलिडेशन के जोन के ऊपर ही रुकता हुआ हमें दिखा, वापस से कंसोलिडेशन जोन के अंदर जाता हुआ नहीं दिखा। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग इसकी चीज़ लगी, काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रांग एस्पेक्ट लगा इस स्टॉक का एंड वापस जैसे ही हमें नेक्स्ट डे ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखी इसमें एक बाउंस बैक आता हुआ दिखा तो वहाँ पर मैंने ये सपोर्टर्स के साथ शेयर किया था। अगर आप
देखना चाहते हो तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दूंगा सपोर्टर सेशन के अंदर, जो मैंने इसके अंदर शेयर किया था स्क्रीनशॉट, एंड मैंने इसके अंदर पर्सनली एंट्री ली थी एंड आप लोगों को भी बताया था कि आप लोग इसके अंदर एंट्री ले सकते हो। अगर जिन लोगों को नहीं पता है हमारे ग्रुप के बारे में सपोर्टर्स क्लब, तो सपोर्टर्स क्लब एक ऐसा ग्रुप है जिसमें हम लोग पर्सनली, मैं और सृजन, जो भी ट्रेड ले रहे होते हैं या जो भी स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट में होता है वो हम लोग चार्ट के साथ, स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स के साथ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। एंड डेली आफ्टरनून को हम लोग एक आधा घंटे का वॉइस कॉल का सेशन रखते हैं जिसमें हम लोग अपने एंट्रीज बताते हैं कि किन स्टॉक्स में हम लोग एंटर कर रहे हैं, किन स्टॉक्स में से हम लोग एग्जिट कर रहे हैं, एंड साथ ही साथ आपके जो ट्रेड्स होते हैं जिनमें आपको दिक्कत आ रही होती है वो हम लोग आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो अगर आपने अभी तक सपोर्टर्स क्लब ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो ताकि इस तरीके के ट्रेड्स आपसे मिस ना हो। वापस हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि किस तरीके से मैंने इसके अंदर ट्रेड लिया। तो मैंने एक दिन के अंदर इसमें एंट्री नहीं ली थी, मैंने दो दिन के अंदर इसमें, इस वाले जोन के अंदर दो दिन में इसमें धीरे धीरे एंट्री ली थी, 50% पोजीशन एंड 50% पोजीशन करके दो दिन में मैंने इसमें एंट्री ली थी। हालांकि जितनी एंट्री मैं पर्सनली लेना चाहता था उतनी एंट्री मैं नहीं ले पाया, तो ये मेरे लिए एक लर्निंग थी कि अगर चार्ट पैटर्न आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा हो तो उतना ज़्यादा हमें वेट नहीं करना होता है। एंड मैं पर्सनली इसमें और बड़ी पोजीशन बनाना चाहता था, एटलीस्ट जितनी मैंने पोजीशन बनाई थी उससे 2x पोजीशन बनाना चाहता था, बट वो मैं नहीं बना पाया क्योंकि जब स्टॉक ने मूव करना स्टार्ट किया तो बहुत ज़्यादा क्विक मूवमेंट दिया एंड उसके बाद एंट्री की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। बट रिग्रेट ना करते हुए इसको हम लोग एक लर्निंग की तरह लेंगे कि जब आपको एक अच्छा चार्ट पैटर्न मिले, आपको कंफर्मेशन मिल जाए, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, आपको दो तीन दिन के अंदर अपनी एंट्री कंप्लीट कर लेनी चाहिए। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो जो मैंने पर्सनली इसके अंदर कैपिटल एम्प्लॉय किया था, जो मैंने कैपिटल इसके अंदर डाला था, वो कैपिटल था 1.28 लाख का, यानी कि 200 क्वांटिटी मैंने इसकी अप्रॉक्सीमेटली 630-640 के जोन के आसपास 200 क्वांटिटी इसके अंदर एंटर करी थी। 1.28 लाख मैंने डिप्लॉय किया था एंड अभी अगर हम लोग इसमें रिटर्न देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट मुझे इस टाइम पे 24-25% का रिटर्न मिल रहा है, यानी कि अगर हम लोग इस रिटर्न को कैलकुलेट करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 30,000 के अराउंड रिटर्न मिल रहा है। मैं स्क्रीनशॉट्स वगैरह सब आपके लिए पोस्ट कर दूंगा ताकि आप लोग उसको रेफर कर सकते हो कि एग्जैक्टली कौन से दिन मैंने पोजीशन बनाई थी, किस टाइम पे मैंने पोजीशन बनाई थी एंड फिलहाल मेरा इसमें प्रॉफिट कितना चल रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं एग्जिट की तरफ कि क्या मैंने स्टॉक में से एग्जिट कर लिया है या अभी भी मैं स्टॉक को होल्ड कर रहा हूँ। तो उसका क्लियर सा आंसर है कि मैं अभी भी स्टॉक को होल्ड कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि अगर ये दो दिन हम लोग देखें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, निकलने का कोई भी रीज़न नहीं था, क्योंकि IEX अगर हम लोग देखें तो एक हाई मोमेंटम स्टॉक है, जब भी रैली देता है तो बहुत अच्छी रैली देता है एंड कंटिन्यूस रैली हमें देने के चांसेस रखता है। तो यहाँ पे दो दिन कोई भी एग्जिट करने का रीज़न नहीं मिला इसलिए मैंने इसको होल्ड करके रखा। अगर आज की भी हम लोग इसमें कैंडल देख लेते हैं, जो कि डेट ऑफ रिकॉर्डिंग है 12th October, अगर हम लोग आज की भी कैंडल इसके अंदर देख लेते हैं तो आज भी अगर हम लोग देखें तो हमें एक रिट्रेसमेंट आता हुआ दिखा, बट वहीं से हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग भी आती हुई दिख रही है। बट क्लियरली हमें एक चीज़ ये भी दिख रही है कि इसमें जो 800 का लेवल है वहाँ पे सेलर्स भी अवेलेबल हैं इस टाइम पे। तो इसके लिए अगर हम लोग अपने रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूँ तो जो शॉर्ट टर्म पोजीशन मैंने इसके अंदर ले रखी है, ऑब्वियसली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसको मैं अभी भी होल्ड करूँगा, उसको मैं बिल्कुल भी एग्जिट नहीं करूँगा। बट जो शॉर्ट टर्म एंट्रीज मैंने इसमें ले रखी है, शॉर्ट टर्म पोजीशन मैंने इसके अंदर बना रखी है, उसका स्टॉप लॉस मैं अभी फिलहाल के लिए सोच रहा हूँ कि 760 के अराउंड मैं मेंटेन करूँगा। अगर 760 के नीचे मुझे ये क्लोजिंग बेसिस पर आता हुआ दिखता है, देन मैं इसमें से अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके अपना जितना भी उसमें प्रॉफिट जनरेट हुआ है स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन के अंदर वो एग्जिट करने के लिए देखूंगा। तो जल्दी से मेरे को चैट के अंदर बताओ, क्योंकि IEX एक ऐसा स्टॉक है जो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर रखा है, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को शेयर कर रखा है, काफ़ी बार आप लोगों के साथ शेयर कर रखा है। तो कितने लोग हैं जिन्होंने IEX अभी भी होल्ड करके रखा है, कितने लोग हैं जिन्होंने IEX के अंदर प्रॉफिट बुक कर लिया है, जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को बताओ कि क्या आपने IEX के अंदर प्रॉफिट जनरेट किया है। एंड सपोर्टर्स क्लब अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। अगर लाइव सेशन से आप नहीं जुड़ रहे हो तो डेली इवनिंग एंड आफ्टरनून के लाइव सेशन से जुड़ो, काफ़ी सारे ब्रेकआउट्स हम लोग उसमें डिस्कस करते हैं जो आपके मिस नहीं होने चाहिए, आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। एंड सपोर्टर्स क्लब अगर ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे ऐसी किसी वीडियो में। थैंक यू।